दोस्तों कहते हैं ना कि जब इंसान का बुरा वक्त आता है ना, तब उसकी अपनी परछाई भी उसका साथ छोड़ देती है। तो फिर तो रिश्तेदारों और दोस्तों की बात तो बहुत दूर की हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि जब आप मुसीबत में होते हैं, आपकी जेब खाली होती है, तब आपको ज्ञान देने वाले भी लोग बहुत मिल जाते हैं। ऐसा ऐसा ज्ञान देंगे कि भाई आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तरह तरह की बातें करेंगे, कुछ लोग ताना भी मार देते हैं, ये तमाम चीजें चलती है, और वो आपको नीचे गिराने की कोशिशें भी करते हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि वक्त हर किसी का एक जैसा नहीं रहता है। आज खराब है तो कल बदलेगा, क्योंकि वो इंसान समय का मारा हुआ है, बेवकूफ नहीं है, समझदार है, लेकिन वक्त ने उसको ऐसा जकड़ के रखा हुआ है। अब देखिए, बात मैं यहां पर शाहरुख खान की कर रहा हूं। शाहरुख खान एक अच्छे अभिनेता है, एक अच्छे बिजनेसमैन भी है, और पूरी दुनिया में उनकी पॉपुलैरिटी है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर आप शाहरुख खान से प्यार करते हैं तो फिर तो कोई बात नहीं, अगर आप नफरत करते हैं तो फिर वो अलग बात हो जाती है। आप दूसरे मुद्दे को इस मुद्दे के साथ जोड़कर मत देखिए कि भाई शाहरुख ने ये कहा था, वो कहा था, ऐसा है। मैं यहां पर सिर्फ पर्टिकुलरली उस फेज की बात कर रहा हूं शाहरुख खान के, कि शाहरुख खान राजू बन गया जेंटलमैन की शूटिंग कर रहे थे, 2-3 शिफ्ट में वो शूटिंग कर रहे थे, जूही चावला भी उनके साथ थी, और उसी दौरान उन्हें पता चलता है कि उनके घर से उनकी फेवरेट गाड़ी, ब्लैक कलर की जिप्सी थी, वो बैंक वाले उठा ले गए, क्योंकि शाहरुख खान टाइम पर ईएमआई नहीं दे सके थे। नहीं दे पाने का वजह यही था कि उनके पास उस वक्त पैसे नहीं थे। जैसे तैसे उनको काम मिल रहा था, लेकिन पैसे की उनके पास काफी तंगी थी, और तब जूही चावला ने कहा था कि निराश मत होना शाहरुख, आज तुम्हारी एक गाड़ी गई है, आने वाले समय में तुम्हारे पास गाड़ियों का अंबार होगा। और देखिए, आज वक्त पलटा, शाहरुख खान का एक अच्छे बिजनेसमैन बन गए, 7,000 करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी है, जो कि मीडिया सूत्रों के अनुसार बताई जाती है, और शाहरुख खान आप कह सकते हैं कि एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, अच्छी चीज़ें वो अपनी ज़िंदगी की शेयर करते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये एक बुरा फेज होता है, हर इंसान के लाइफ में आता है, आपके भी आ रहा होगा, हमारे भी आता है, लेकिन ये वक्त निकल जाता है। लेकिन ऐसे वक्त में ही आपको पता चलता है कि कौन आपके साथ खड़ा था, किसने आपको ताने मारे, किसने आपकी मदद करके आपको ताने मारे, ये सारी चीजें आपको याद रहती है, लेकिन आपको जवाब किसी को देना नहीं होता है। वक्त अपने आप सभी को जवाब दे देता है। तो बने रहिए, और शाहरुख खान जैसा किस्मत हर किसी